नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया तोमर। करेंगे कुछ खास खबरों। जनपद मथुरा में मंडलायुक्त रितु माहेश्वरी और जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने श्रीधाम वृंदावन में बिहार घाट परिक्रमा मार्ग से स्वच्छता ही अभियान कार्यक्रम को प्रारंभ किया और सभी को शपथ दिलाकर संदेश दिया और अपील करते हुए कहा कि सभी जनपद वासियों को स्वच्छ भारत अभियान के तहत अपने अपने गली मोहल्ले कॉलोनी को स्वच्छ करें और प्रतिदिन सफाई का ध्यान रखें। स्वच्छता ही सेवा स्वच्छ भारत स्वच्छ समृद्ध भारत का ध्यान रखते हुए कम से कम सभी लोग प्रतिदिन एक घंटे का श्रमदान जरूर करें। चित्रकूट में तेज रफ्तार कार और बाइक सवार की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई, जहां बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई और कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मऊ थाना क्षेत्र के अशोक चौराहे के पास की घटना बताई जा रही है। ये जो घटना हुई NH 35 में, आप थे क्या मौके पे? कैसे हुई? उस साइड से चार पहिया आ रही थी या इस साइड से दो पहिया जा रही थी, तो दो पहिया वाले फंसा के चार पहिया इस साइड में से खड़ी कर दी। अच्छा, दो पहिया उधर से आ रही थी, सामने से दो पहिया चार इधर से जा रही थी। किसकी गलती है इस पे? चार पहिया वाले आया, उधर साइड नहीं मिल पा रहा। अच्छा, तो पहिया ने मतलब दो पहिया को ठोकर मार दी। ये जो घटना खबर जगदलपुर से है, जहां राजा कमलचंद भंसदेव, पूर्व विधायक संतोष बाफना और बीजेपी के अन्य कार्यकर्ता घर घर दुकान दुकान जाकर आमंत्रण पत्र दे रहे हैं। आपको बता दें कि 3 अक्टूबर 2023 को मोदी जी का विशाल आम सभा होने जा रही है, जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल होने की जानकारी दे रहे हैं। देवरिया जिले में एक बड़ी वारदात हुई है, जहां एक ही परिवार के 6 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वही जानकारी के मुताबिक जमीनी विवाद के चलते वारदात को अंजाम दिया गया है, जहां घर के बाहर ही सभी को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वारदात के बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और घटना को लेकर छानबीन की जा रही है। महात्मा गांधी की 154वीं जयंती के शुभ अवसर पर कूड़ा मुक्त भारत का सपना साकार करने की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर 1 तारीख एक घंटा स्वच्छता की सेवा अभियान के अंतर्गत देश के अग्रणी स्मार्ट शहर आगरा में गर्ल्स बटालियन के कमांडेंट ऑफिसर कर्नल रोहित खन्ना के निर्देशन में कैप्टन नीता निगम कंपनी कमांडर आगरा कॉलेज के नेतृत्व में लगभग 150 गर्ल्स कैडेट्स द्वारा ऐतिहासिक धरोहर लाल किला पर सफाई अभियान चलाते हुए श्रमदान किया गया। गंजवा सौदा नगर में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा पहुंची। वहीं यात्रा में पहुंचने पर नगर के सीमा में कई कार्यकर्ताओं ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। जगदीश सुहानी जिला महामंत्री कई कार्यकर्ताओं के साथ मंच पर पहुंचे, जहां हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस का झंडा लिए नगर से होते हुए पुराने बस स्टैंड में सभा स्थल पर पहुंचे, जहाँ जन आक्रोश यात्रा के प्रभारी अरुण यादव और कांग्रेस जानों ने आम सभा को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गौ माता और गौशालियों को लेकर जमकर हमला बोला। यात्रा से बीजेपी का बहुत ही नफा है। इसमें पेट्रोल की समस्या मतलब 60 रुपए थी कांग्रेस के टाइम में, आज 120 रुपए है। और गैस सिलेंडर इनने जो वादे किए थे, मतलब 1150 का था सिलेंडर, और हमारी सरकार थी जब 450 रुपए में सिलेंडर दिया है, और इतनी महंगाई है कि ये कांग्रेस की सरकार बनना तय है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, कांग्रेस की 150 सीटें आई हैं, इसे कोई नहीं रोक सकता। ये कुछ भी कर लें, तीनों राज्यों में सरकार बनेगी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये कुछ भी कर लें, कितने ही मतलब घिनौनी हरकत कर लें। और इनने प्रवेश ये लफड़ा करा है, 50% खाया है और कुछ नहीं करा है, और जनता को गुमराह कर रहे हैं।
और कोई सरकार के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना जनता के लिए कर रहे हैं, 1000 की झूठे वादे कर रहे हैं, है कोई पैसा भी नहीं पहुंच रहा है। यात्रा से बीजेपी का बहुत ही नफा है, इसमें पेट्रोल की समस्या मतलब 60 रुपए थी कांग्रेस के टाइम में, आज 120 रुपए है, और गैस सिलेंडर इनने जो वादे किए थे मतलब 1150 का था सिलेंडर, और हमारी सरकार थी जब 450 रुपये में सिलेंडर दिया है, और इतनी महंगाई है कि ये कांग्रेस की सरकार बनना तय है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस की 150 सीटें आई हैं, इसे कोई नहीं रोक सकता, ये कुछ भी कर लें, तीनों राज्यों में सरकार बनेगी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये कुछ भी कर लें, कितने ही मतलब घिनौनी हरकत कर लें, और इनने प्रवेश जे लफड़ा करा है, 50% खाया है और कुछ नहीं करा है, और जनता को गुमराह कर रहे हैं, और कोई सरकार के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना जनता के लिए कर रहे हैं, 1000 की झूठे वादे कर रहे हैं, है कोई पैसा भी नहीं पहुंच रहा है। एक यात्रा से बीजेपी का बहुत ही नफा है, इसमें पेट्रोल की समस्या मतलब 60 रुपये थी कांग्रेस के टाइम में, आज 120 रुपये है, और गैस सिलेंडर इनने जो वादे किए थे मतलब 1150 का था सिलेंडर, और हमारी सरकार थी जब 450 रुपये में सिलेंडर दिया है, और इतनी महंगाई है कि ये कांग्रेस की सरकार बनना तय है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस की 150 सीटें आई हैं, इसे कोई नहीं रोक सकता, ये कुछ भी कर लें, तीनों राज्यों में सरकार बनेगी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये कुछ भी कर लें, कितने ही मतलब घिनौनी हरकत कर लें, और इनने प्रवेश जे लफड़ा करा है, 50% खाया है और कुछ नहीं करा है, और जनता को गुमराह कर रहे हैं, और कोई सरकार के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना जनता के लिए कर। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां घर खाली देखकर चोरों ने तांडव मचाया। बता दें कि घर के मालिक सहित परिवार के लोग गांव गए हुए थे, जिसके बाद चोरों ने घर में रखी अलमारी का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने जेवरात सहित घर में रखे अन्य सामान पर हाथ साफ किया, जिसके बाद परिजनों ने डायल 112 को सूचना दी, और सूचना मिलते ही घटना स्थल पर पहुंची बासी कोतवाली पुलिस जांच में जुट गई।